तो मैंने देखा कि जैसे मुझे देख के वो सकते में आ गए। उन्होंने कहा मैं ही हूँ काजिम पाशा। मैंने कहा अच्छा अच्छा। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा ये कमरा खोल के इनको बिठाओ। काफी लोग आ गए एकदम से कमरे में। मैंने कहा ये इनको टीवी में काम करने का बहुत शौक था, तो किसी ने बताया कि आप कोई ढूंढ रहे हैं अपने ड्रामे में कास्ट करने के लिए किसी को। तो उन्होंने कहा इनको छोड़ें, आप अपना बताएं। तो मेरे अंदर फिर जागा वो एक्टर। तो आई फेल्ट बैड कि मैं लेके इन्हें आई हूँ। और आपके पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव थे, तो उन्होंने एयर होस्टेस कैसे बनने दिया आपको? मेरी बहन की मुझे बहुत सपोर्ट थी। शी फॉट फॉर मी एंड शी सेड कि आपको हम पे ट्रस्ट होना चाहिए। यमुना जैदी, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। अहमद अली अकबर, कमाल कमाल। मैं जब शूट पे जाती थी, पैसे जेब में कुछ नहीं होते थे, और मैं पूछ रही होती थी ये फ्लैट कितने का है, यहाँ प्लॉट कितने का मिलेगा, इवन टू स्कॉटलैंड, मतलब हद है ये भी। बिकॉज मेरे माइंड में ये था उस वक्त, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्चियों को कौन देखेगा। सो आई वॉन्टेड के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। Hey guys, assalamualaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज भी वो एक लम्हा है जब आप कुछ सोचते हैं। एक्चुअली आपने सोचा नहीं होता कि कभी ये होगा, और फिर वो हो जाता है। जैसे आज जो मेरी मेहमान है, मेरे सामने बैठी हैं, मैंने नहीं कभी सोचा था आज से कितने साल पहले, जब मैं कभी आँच देखा मैंने कि मैं उल्फत के सामने बैठी होंगी, और वो कैरेक्टर जिसने दिल को छुआ मेरे जैसे और बहुत से लोगों के, उनसे गुफ्तगू करूँगी, फिर वो उल्फत हो या फिर डॉक्टर सलमा हो फ्रॉम चौधरी एंड सन्स, या फिर हम उनको यूट्यूब पे वीडियो में अमीन साहब को जो वबाल के डायरेक्टर हैं बोलिंग कराते हुए देखें, या उनकी बहुत मज़े की वीडियोस उनके गांव का टूर देखें, या फिर टिकटॉक पे उनकी उनके टैलेंट की और भी मद्दा हो जाएं। कोई एक जगह नहीं है जहां पे, या कोई एक कैटेगरी नहीं है जहाँ पर मैं उनको रख सकूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से शी इज़ डूइंग सो मच, एंड देन हर ओन सैलॉन, यू नो, कोई एक चीज़ नहीं है। आई लुक एट हर एंड आई गेट सो इम्प्रेस्ड कि इफ़ शी कैन डू इट ऑल, देन आई गेस वी कैन ऑल डू इट ऑल। सो आज मेरे साथ हैं शगुफ्ता एजाज, और आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स, एंड फाइनली आज वो हमारे पास आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आपको यहाँ। फाइनली वी मेड इट, एंड आई एम सॉरी कि इट गॉट सो डिलेड। मेरी अपनी भी कमिटमेंट्स थी, फिर बेटी मेरी इस्लामाबाद में है, तो मुझे मौका चाहिए होता है, मैं एक दिन भी मिलता है तो मैं चली जाती हूँ। अनिया दोस्ती सबसे है, लेकिन अनिया से जरा मेरी स्पिरिचुअल अटैचमेंट है। तो फिर तो आप बहुत मिस करती होंगी दोनों। शी इज इन अ वे माय बेटर हाफ, माय सोलमेट। तो शादी के बाद मुझे बड़ा मसला हुआ उसके जाने के बाद, कि वो इतनी दूर चली गई है, फिर उसे एक्सेप्ट किया कि शी इज़ हैप्पी, यू नो आई शुड फील ब्लेस्ड। कि माँ बाप के लिए बड़ी बात होती है कि बेटियाँ खुश हों, उन्हें मोहब्बत कदर करने वाले लोग मिलें। तो बस उससे थोड़ी तसल्ली हुई, फिर वो खुद भी आ जाती है, वो भी नहीं रह सकती मेरे बगैर। फिर मेरा जो दामाद है वो भी उतना ही अटैच्ड है, हमजा अली हमजा। उनके साथ आपके गाने भी मैंने देखे हैं, मजे के। आई लव द बॉन्डिंग जो आपकी उनके साथ थी ना, इट वाज सो नाइस टू सी दैट। एंड मुझे लगता है जो भी देख रहे होंगे उनको भी बड़ा अच्छा लगता होगा। कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अक्सर अब यूट्यूब वीडियोज में भी लोग कॉमेंट कर रहे होते हैं कि आप सास हैं और एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, एक डिफरेंट साइड अगर हम उसकी बात करें तो एक रिस्पेक्ट का लेवल होना चाहिए, मगर मजाक करना, हंसी मजाक करना, मोमेंट्स को एंजॉय करना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगा वो आपके बेटे की तरह है। आपके बेटे होते तो आप ऐसे ही उनके साथ एक्ट करती। आई विल टेल यू समथिंग रियली फनी। अभी आजकल सोशल मीडिया पे वो चल रहा था कि मुझे चार बेटियों के बाद बेटे की ख्वाहिश ही नहीं हुई। आपकी वो स्टेटमेंट, तो उसने मुझे इतना सैड इमोजी भेजा कि आई एम योर सन एंड हाउ कैन यू से दिस एंड दैट्स सो क्यूट, यू डिडंट वांट मी। मैंने कहा नहीं, ये बहुत पहले की बात है। उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। बहुत था, बहुत अच्छी। आई थॉट जितना मैंने देखा बड़ा अच्छा, विद इन बाउंड्रीज रहते हुए आप लोग बड़ी अच्छे मजाक कर रहे थे। एंड एज आई सेड, अगर कोई आपकी बेटियों का भाई होता है या आपका बेटा होता है, तो मुझे लगता है ऐसी रिलेशनशिप होती है ना, तो ये ज़्यादा अच्छी है। यू नेवर नो। बिल्कुल बिल्कुल। सो जी, सफ़र शुरू से शुरू करें थोड़ा सा। तो तारिक रोड पर चल रहे थे आप लोग, आप और आपकी बहन। कोई आए, उन्होंने कहा मॉडलिंग करेंगी, और आपने हाँ कह दी। बहुत पीछे चली गई आप राबिया। इसलिए कि मुझे लगता है शायद कुछ हिस्सा ऑडियंस का वो जिनको ये इंटरेस्टिंग कहानियाँ नहीं पता, तो हम जल्दी से थोड़ा सफ़र को जल्दी जल्दी टच कर लेंगे, मेजर मेजर पार्ट्स। हाँ, ये बहुत पुरानी बात है। आई थिंक आई वाज 16 और या आई वाज 16। तो मेरी जो बड़ी बहन थी,
शी इज़ नो मोर, लेकिन शी वॉज़ माई फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड. मतलब मेरे घर का जो माहौल था बहुत कंजर्वेटिव था. थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ, और अब्बू चाहते थे कि बिल्कुल घरेलू हों और काम ना करें. तो मेरी बहन ने बहुत स्टैंड लिया, उन्होंने नर्सिंग की, फिर उन्होंने एयरलाइन की जॉब की. मेरा भी दिल चाहता था, यू नो, बिकॉज आई फेल्ट कि मेरे अंदर इतना कुछ है. तो हमारा रिलेशनशिप ऐसा था, मुझे कुछ भी करना होता था मैं बहन से कहती थी कि नहीं मुझे ये, मैं शायरी लिखती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ. एक्टिंग का तो खैर उस वक्त तक जहन में ही नहीं आया, लेकिन मैं बड़ा इंस्पायर होती थी जब मैं फेमस लोगों को देखती थी. तो एक ही बहन आपकी? एक ही बहन. दो बहनें आप लोग? जी. ओके. तो जब उन्होंने कहा, नसरीन उनका नाम था, खालिद, वो बहन भाई जर्मनी से आए थे, उन्होंने कहा कि जी हम फैशन शो कर रहे हैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा और मॉडल्स ढूंढ रहे हैं. मैं मोटी भी थी तो मुझे उसकी ज़्यादा खुशी हुई कि इस मोटापे के साथ मुझे मॉडलिंग ऑफ़र की है. तो मेरी बहन ने कहा हम बिल्कुल करेंगे. मैंने कहा अम्मी अब्बू से क्या करेंगे? शी सेड वो मेरा मसला है. खैर, वो फिर उन्होंने कहा कि फ्रेंड के पास जा रहे हैं, विच वॉज़ राइट इन अ वे बिकॉज दे हैड बिकम फ्रेंड्स. तो हम वहाँ गए, एक दिन रिहर्सल थी, फिर उसके बाद फैशन शो हुआ, मुझे बड़ा मज़ा आया. एंड वहाँ पे समेजो साहब थे जज. तो उसके बाद वो नसरीन, कुछ अरसे के बाद फैशन शो हो गया, मुझे बेस्ट मॉडल का अवार्ड भी मिला उसमें. तो नसरीन भागती हुई आई मेरे पास, शगुफ्ता तुम्हें पता है वो जो समेजो साहब थे वो अपना कोई सीरियल करें तो मैं हीरोइन लेना चाह रहे हैं. एंड मैं पहले एक्साइटेड हुई, फिर मैंने अब्बू का सोचा, अम्मी का सोचा, और मैंने कहा ये तो इतना बड़ा पहाड़ है कि ये नामुमकिन है. मैंने कहा नहीं, नहीं हो पाएगा, यू नो, पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करेंगे एंड ऑल. उसने बहुत कहा मैं बात करती हूँ, कुछ करते हैं किसी तरह से. मैंने कहा नहीं, वो बात दब गई. लेकिन मैं बहुत अरसा उस अफसुर्दगी में रही कि ये मेरे लिए स्टार्ट हो सकता था उस फेम का जिसका मैंने हमेशा ख्वाब देखा है, या मुझे लगता है कि मेरे अंदर है. अच्छा, आप मशहूर होना चाहती थी? चाहती थी, मुझे लगता था कि पता था किस तरह हो, बट ये था कि फेम हो. हाँ, फेम का था, लेकिन इसके बाद से मुझे पता चल गया कि एक्टिंग इज़ माई थिंग. ओके, ठीक है. खैर, उसके बाद बात आई गई हो गई, और इस तरह से हमने फैशन शो किया. फिर खैर लोगों को तो हिफ्स हो गया होगा वो किस्सा कि मैं शोबिज़ में किस तरह से आई. लेकिन फिर इसी तरह काफ़ी सालों बाद अचानक हमारी कोई रिलेटिव थी, उन्होंने कहा कि शगुफ्ता बाजी आप पीटीवी में जानती हैं ना डायरेक्टर को. तो आप कैसे जानती थी डायरेक्टर को? सॉरी, मैं बीच बीच में समेजो साहब थे ना. अच्छा, समेजो साहब से. सो यू वर इन कॉन्टैक्ट? आई वॉजन्ट इन कॉन्टैक्ट, लेकिन वो नसरीन के थ्रू जितनी बातचीत हुई थी हमारी, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे भी वो उनका नाम याद था. नसरीन के थ्रू उनको, उन तक भी बात पहुंची मेरा नाम एंड ऑल. तो उस वक्त पीटीवी में एंटर होने के लिए आपको किसी के नाम से पास बनवाना पड़ता था. तो हम लोग जब चश्मा बनवाने गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे यहीं पे बिल्डिंग में रहते हैं काजिम पाशा साहब, आजकल वो हीरोइन ढूंढ रहे हैं अपने ड्रामे की और नई लड़की चाहिए उन्हें. तो वो जो हमारी रिलेटिव थी वो साथ थी, उन्होंने कहा कि शगुफ्ता भाजी मुझे बड़ा शौक है टीवी में काम करने का, तो मुझे किसी तरह से मिलवा दें. मैं सिर्फ उसके लिए गई थी पीटीवी. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. नेक्स्ट डे हम लोग गए, उनका समेजो साहब के नाम का ही पास बनवा के गए. तो अब मैं कॉरिडोर में जैसे ही गई तो मैंने पूछा, एक साहब आए, तो मैंने कहा सर काजिम पाशा साहब का ऑफिस कहाँ है? तो मैंने देखा कि जैसे मुझे देख के वो सकते में आ गए हैं. और उन्होंने कहा कि मेरा दफ्तर, मैं ही हूँ काजिम पाशा. मैंने कहा अच्छा अच्छा. तो मैंने कहा इनको मिलवाना था आपसे. अच्छा अच्छा. उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा ये कमरा खोल के इनको बिठाओ. काफ़ी लोग आ गए एकदम से कमरे में, और फिर वो कमरे में आए, उन्होंने कहा जी. मैंने कहा ये इनको टीवी में काम करने का बहुत शौक़ था, तो किसी ने बताया कि आप कोई ढूंढ रहे हैं अपने ड्रामे में कास्ट करने के लिए किसी को. तो उन्होंने कहा इनको छोड़ें, आप अपना बताएं. तो मेरे अंदर फिर जागा वो एक्टर बहुत ज़ोर शोर से. तो आई फेल्ट बैड कि मैं लेके इन्हें आई हूँ. और तो मैंने कहा कि आई डोंट नो, मतलब कैरेक्टर इतना पता था, हीरो हीरोइन होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं. मैंने कहा कैरेक्टर अगर मेन होगा तो. उन्होंने कहा हीरोइन का रोल है जिसके लिए हम कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हैं, बिकॉज एक इमेज है, एक पिक्चर है जो उस कैरेक्टर के लिए फिट होती है, और वो आप हैं. तो खैर, इस दफ़ा मैंने ठान ली कि अब मैंने ये करना है. अगर मुझे दूसरा मौका मिला है ज़िंदगी में तो इट हैज़ अ रीज़न.
खैर मैंने उनकी भी बात की, फिर उन्होंने कहा इनको भी कास्ट करेंगे, इनका भी ऑडिशन करते हैं। फौरन मेरा साउंड टेस्ट हुआ, कैमरा टेस्ट हुआ, स्क्रिप्ट दे दिया मुझे और मैं कांपते हाथों से स्क्रिप्ट लेके घर आ तो गई। अम्मी से बात की, उन्होंने कहा कि अब्बू सऊदी अरेबिया में थे, उन्होंने कहा खबरदार टीवी में काम करोगी, कल फिल्मों में काम करोगी, फिर स्टेज में काम करोगी। मैंने कहा अल्लाह की कसम सिर्फ टीवी में काम करूंगी, टीवी में तो इतने अच्छे ड्रामे होते हैं, आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, हम सब देखते हैं। नहीं, मैं बहुत रोई बहुत रोई, मैंने खाना खाना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। माँ थी, परेशान हुई, अब्बू को फ़ोन किया। अब्बू ने, आई एम सरप्राइज कि उस वक्त अब्बू का रिएक्शन बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट था। उन्होंने कहा ठीक है करने दो, बस इससे कहना कि फिल्म ना करे और स्टेज ना करे, वो जो पंजाबी स्टेज होते हैं उस तरह के। मैंने कहा नहीं करूँगी। तो खैर आई वॉज सो हैप्पी और मुझे लगा कि बस मेरे लिए अब एक दरवाज़ा खुल गया जो इंशाल्लाह कभी बंद नहीं होगा। तो लेकिन एडवेंचर मुझे पसंद था बचपन से ही, दरख्तों से फल तोड़ना। और मुझे टायर वाली स्टोरी भी याद है, टायर में बैठ जाती थी इनकी दोस्त, उसको टायर को धक्का चलाती थी, पूरा गोल पूरा गोल यूं, और वो चल रहा होता, नहीं आता था आपको? नहीं, उस वक्त मजा आता होता होगा, है ना, वो पूरा गोल, मैं तो बारी बारी रोलर कोस्टर राइड ही हो रही है आपकी, वो अगर रोड पे नीचे जा रहा है तो। आप अपनी बेटियों को करने देंगे अब ये चीजें? मैं ये सोच रही मैं चाहती हूँ वो करें। अच्छा। मैं चाहती हूँ उनका बचपन ऐसा हो। हाँ। वो फोन और टैबलेट और इन चीज़ों तक वो रह गई हैं। स्कूल में उन्हें इतना इनकरेज करती हूँ। आज मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मैं बैडमिंटन में हूँ एंड आई एम ऑलमोस्ट सिलेक्टेड इन द टीम। तो मैंने कहा अच्छा है, यू नो, एक फिजिकल एक्टिविटी रहे, उसका जो मज़ा होता है वो ये फ़ोन शोन और इन चीज़ों में नहीं है। वो जो शाम का एक घंटा मिलता था गली में खेलने के लिए कि अम्मा कभी भी खिड़की से आके देख लें, उसकी बात ही और होती। तो जब आपने स्टार्ट कर दिया, फिर जांगलूस से स्टार्ट हुआ, काजी पाशा ने आपको जांगलूस के लिए रखा था, ये सारी जो स्टोरी हुई, बट वो रुक गया था बीच में, रुक गया था बीच में, एंड देन आपको आंच ऑफर हुआ उसके बाद। जांगलूस और आंच के दरमियान कुछ था या डायरेक्ट? जांगलूस के बाद, जांगलूस जब ख़त्म हुआ तो उन दिनों में पीटीवी का एक दौर था, व्यूअरशिप थी पीटीवी की, तो अगर कोई गुजर भी जाता था टीवी से तो वो तो स्टार, राधा स्टार तो वैसे ही बन जाता था, आपको फिर पहचानने लगे थे। बहुत पीटीवी में बहुत वो धूम मच गई कि कोई नई हीरोइन आई है एंड ऑल। तो उसके बाद शाहिद इकबाल पाशा साहब की एक दो मैंने टेलीफिल्म्स की, बारिश संग उसका नाम था, सच्ची कहानियाँ थी सीरीज़ शायद वो। और उसके बाद फिर मैं सऊदीया चली गई, मैंने एयरलाइन ज्वाइन कर ली बिकॉज़ माई सिस्टर वॉज़ देयर और मैं अपनी बहन से इन टच थी और वो ट्रेनिंग करके आती थी, फ्लाई करती थी, तो मैं उससे भी फैसिनेट होती थी, इतना ट्रैवल करती हैं, पूरी दुनिया देखती हैं। खैर मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। लेकिन सॉरी मैं आपको यहाँ कट करूँगी, आपके पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव थे तो उन्होंने एयर होस्टेस कैसे बनने दिया आपको? मेरी बड़ी, मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे एक क्वेश्चन, बिकॉज उस ज़माने में तो एक थोड़ा सा देखते थे एयर होस्टेस के जॉब को डिफरेंट तरीके से। मेरी बहन की मुझे बहुत सपोर्ट थी। ओके, मतलब शी फॉट फॉर यू, शी फॉट फॉर मी एंड शी सेड के आपको हम पे ट्रस्ट होना चाहिए, हम कहीं भी चले जाएँ यू शुड ट्रस्ट अस। तो खैर पेरेंट्स को जब ये एक अश्योरेंस मिली तो अब्बू ने भी इजाज़त दे दी, फिर मैं चली गई ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ पे मैंने जो हमारा गर्ल्स कंपाउंड था वहाँ मैंने स्विमिंग सीखी एंड देर जस्ट गर्ल्स, और अपनी फ्रेंड्स बनाई। कभी मैं ये चीज़ आपने कहीं नहीं सुनी होगी, वहाँ मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी सोनिया और सदफ, हम तीनों का एक ग्रुप था। तो मैं देखती थी कि ये जितनी भी फॉरेनर लड़कियां हैं वो इतनी गोरी हैं और कोई लोशन लगा के पूल पे बैठ जाती हैं। अब मुझे शर्म आ रही थी, मैंने कहा पूल पे तो मैं नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं जब स्विमिंग पे जाती थी तो मैं जाती थी एक दो बजे जब कोई नहीं होता था, सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड्स। तो मैं गई स्टोर पे, मैंने कहा ये लोशन जो स्विमिंग पे लगाते हैं वो क्या होता है? उसने कहा टैनिंग लोशन होता है। मैंने वो ले लिया, मैं बिल्डिंग की छत पर चली गई और वो टैनिंग लोशन लगा के, और मेरी फ्रेंड नीचे ही थी, मैं फिर नीचे आई तो वो देख के हंसी, उसने चीख मारी, कह रही है भूत बन गई हो तुम, भूत, सऊदीया की गर्मी और धूप और मैं लेटी हुई हूँ एक घंटा वहाँ पे और टैनिंग लोशन भी लगा लिया मैंने। और उसके बाद मैंने जब अपना आप देखा, मैंने कहा ये वाकई मैं क्या बन गई हूँ।
बट कितने खूबसूरत दिन और कितनी खूबसूरत आपकी यादें हैं माशाल्लाह बहुत बहुत इट वाज सो एडवेंचरस सो मच फन एंड मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि वो जो उस ज़माने में अब तो लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं लेकिन उस ज़माने में वो जो लिब्रेशन वो जो फ्रीडम ऑफ डूइंग थिंग्स चाहिए था वो शायद आपको तब उससे मिला जो आप करना चाहती थी क्योंकि आपकी नेचर को देखते हुए लगता है कि आप कह रही हैं नहीं बाउंड्री में नहीं रखो मुझे खेलने दो मुझे छक्के चौके लगाने दो मुझे सो ये जो पूरा कितने साल आप एयर होस्टेस का आपने 2 साल मैं फिर 1.5 साल आई थिंक उसी बीच में गल्फ वॉर भी हुई तो आई वॉज देयर मैंने कुछ फ्लाइट्स लेकिन उसके बाद जब मैं सर्विस करती थी तो मुझे लगा कि लोग पैसेंजर्स मुझे पहचानते थे और फिर जब मेरे पास एक चॉइस आ गई ना दो चीज़ों के बीच में तो मुझे लगा कि फाइनेंशियली तो वो जॉब बेहतर थी उस वक्त क्योंकि PTV के टाइम में तो कुछ भी नहीं था लेकिन आई फेल्ट कि मुझे एक्टर ही बनना है मैं ये पूछता हूं तो आई मेड माय चॉइस उस वक्त बट जो मुझे पूछना है वो ये कि लेकिन मुझे पूरा एक्सपीरियंस था एयर होस्टेस होने का उसने आपको क्या लगता है कैसे चेंज किया क्या कुछ आपके अंदर क्वालिटीज डाली या आपको एज अ पर्सन आप में क्या डिफरेंस आपको फील होता है उस 1.5 साल में बहुत टफ जॉब थी यू नो उससे लोगों से मिक्सअप होना आया डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग थे और उनके साथ रिलेशनशिप बनाना आया यू नो कि कैसे टॉलरेट करते हैं कैसे अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव थी किसी की कोई बात या लहजों को मैं बहुत सीरियस लेती थी और उससे मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर ये चेंज आया कि हर शख्स मुख्तलिफ है यू नो आप अपनी जगह पे रख के किसी को ना देखें लेकिन उनके हवाले से देखें और जो बात हो रही है उसका मतलब और मकसद समझने की कोशिश करें सो वो एक मुझ में चेंज आया लोगों से मिक्सअप होना आया बिकॉज मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी दैट वे यू नो व्हेन इट केम टू मीटिंग डिफरेंट पीपल या मुझे लगता था कि मैं क्या बात करूँगी मुझे कोई बात ही नहीं करनी आती थी तो उस जॉब के बाद ये चेंज मुझ में आया कि मैं मतलब हर नेशनैलिटी की लड़की डिफरेंट लोग थे दे वर माई फ्रेंड्स एंड दे लाइक माई कंपनी बिकॉज अगर हम कहीं जाते थे वी वेंट टू स्पेन तो मैंने स्पेनिश गाने वैन में लगा के आई स्टार्टेड यू नो सिंगिंग और वो सब इन्जॉय करते थे हमारी जो सुपरवाइज़र थी वो भी सो मेरी ज़िंदगी का मकसद ये रहा है कि जितने भी मोमेंट आपकी लाइफ में हैं मेक द बेस्ट ऑफ देम चाहे इवन इफ दे आर वर्स ट्राई टू पुल आउट द बेस्ट आउट ऑफ देम और जितने भी मेमोरेबल आप उनको बना सकते हैं बनाएं चाहे आप एक मदर हैं अपने बच्चों के साथ आपने अपनी लाइफ बनानी है या बिकॉज मेरी ज़िंदगी का अब मुझे लगता है कि एक मकसद है आई वॉन्ट टू लीव अ मार्क व्हेन आई एम नो मोर यू नो और उसके लिए चाहे अभी मुझे ज़िंदगी में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का भी पता चला है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में किसी से कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो लड़ाई ना हो डिसलाइक ना हो ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल सही बात है लेकिन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ दैट एट द एंड ऑफ द डे यू क्लियर योर हार्ट एंड मेक श्योर द अदर पर्सन क्लियर्स हर और देयर हार्ट फ्रॉम यू दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट और ये मुझे ज़िंदगी में एक सबक मिला है बहुत बड़ा ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ एंड आई एम श्योर दिस विल बी अ लेसन टू सो मैनी मैं तो आपकी बात सुन के तो ये पूछने वाली थी कहना आसान होता है करना बड़ा मुश्किल होता है तो आपने कैसे किया आई वुड लव टू नो दिस बिकॉज मुझे लगता है कि कभी कभी आप फॉरगिव करते हैं लेकिन आप फॉरगेट नहीं करते हैं नहीं नहीं ये, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है अल्लाह से मदद मांगनी पड़ती है बिकॉज़ जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं होती वो फिर आप जो सुपीरियर मोस्ट है आप उससे हेल्प मांगें और आपके अंदर आ जाती है बहुत साल पहले मेरी एक फ्रेंड से मेरी बहुत बुरी लड़ाई हुई थी सालों गुजर गए जवानी में जोश में नहीं वही गलत थी वही गलत थी एक दिन मुझे बहुत एहसास हुआ और मैं तो जब व्हेन आई बिकेम अ सिंगल पेरेंट मुझे आई वॉज 24 और मुझे लगता था मैं कल मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा वो फियर मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग था तो उस वक्त फिर मुझ में ये चेंज आया कि मुझे एकदम ख्याल आया मैंने कहा कि यार नहीं ज़्यादती हो गई मुझसे तो मैंने खैर ऊपर देखा मैंने कहा कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो कुछ पता नहीं था वो कहाँ है क्या है
अगले दिन मेरे भाई मेरे घर आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था, बहुत बड़ा सबक, और जैसे प्रैक्टिस मैं आज तक कर रही हूँ, और मैं सब लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि ये एक रीज़न काफ़ी होना चाहिए आप लोगों के लिए अपना दिल साफ़ करने के लिए। अगले दिन मेरे भाई मेरे घर आए, उन्होंने मुझे कहा तुम्हारी जो फलां दोस्त थी ना, उसकी बड़ी बहन हमारे कॉलेज में प्रोफेसर लगी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा मुझे उसका नंबर चाहिए। खैर ही सर, क्यों खैरियत? मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए। अगले दिन मैंने उन्हें फ़ोन करके याद कराया कि मुझे उसका नंबर चाहिए। नंबर मिला मुझे, बड़े कांपते हाथों से, आंसू भरे हुए थे आंखों में, मैंने उसे कॉल किया। मैंने कहा यार मुझसे ज़्यादती हो गई थी, पता नहीं अब तेरा मेरा करने में तो फिर किसका कसूर था, लेकिन मुझसे ज़्यादती हो गई थी तो तुम मुझे माफ़ कर दो। कहती कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने कहा नहीं, तुम अल्फाज कहो कि तुमने मुझे दिल से माफ़ किया। एंड आई वाज क्राइंग। शी सेड क्या हो गया शैगी, शैगी इज़ माय निकनेम। मैंने कहा नहीं यार, तुम, मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम कह दो तुमने दिल से माफ़ किया। खैर उसने मुझे कहा और मुझे लगा कि उसने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है, तो मुझे लगा कि मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। और ये चीज़ें जो हैं ये इतना नासूर बन जाती हैं आपके अंदर कि कभी ना कभी ज़िंदगी में ये फटते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या बहा के ले जाते हैं। सही बात है। उस बात के एक हफ्ते के बाद मेरे भाई का मुझे फ़ोन आया एंड ही सर तुम्हें पता है उसका मर्डर हो गया। ओह गॉड। मुझसे छोटी थी वो उस वक्त, शी मस्ट बी 30 और आई डोंट नो व्हाट। और मैं इतना शॉक्ड थी इस बात से, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं शुक्र करूं अल्लाह का इस बात के लिए जो उसके जाने से पहले हो गई, या अल्लाह ताला ने ये प्लान किया था मेरे अंदर डाला, या मैं उसकी मौत का गम मनाऊं कि वो इतनी यंग एज में चली गई। एंड आई डोंट नो। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मैं अल्लाह के तो हमेशा ही करीब थी, एंड आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम वेन एवर आई फेल्ट बैड और सैड और डाउन, आई स्टिल डू। लेकिन उसके बाद तो मैं सजदे में गिर गई, और मैंने उस दिन से अपना ये ईमान बना लिया कि कभी भी कहीं पे भी किसी से कोई बात हो जाए, हो जाती है, इट्स ओके, उसके बाद गले लगा लें, माजरत कर लें, दिल साफ़ करके वहाँ से निकलें, उसको पकड़ के नहीं बैठे। नहीं, सही कह रही है, ये बहुत ही आपने खूबसूरत बात शेयर की, और आई विश कि हम सब ये लर्न करके इसको प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि जब वो मौका निकल जाता है फिर रिग्रेट के साथ जीना आपकी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, और आप आपकी सोच भी चेंज होती है, जो कुछ साल पहले आप सोचते हैं आप फिर एक डिफरेंट इंसान बन जाते हैं कुछ सालों में ज़िंदगी। थोड़ा सा हम दोबारा ड्रामे की तरफ आएंगे आपकी जर्नी तक। आंच, पहला रिएक्शन, फैन रिएक्शन, या कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आंच हैज़ बिकम दिस ह्यूज प्रोजेक्ट? मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चला, क्योंकि उन दिनों तो आपको टाइम ही नहीं मिलता था। 7 दिन हफ्ते के, एक दिन रीडिंग, उसके बाद एक दिन रीडिंग होती थी, फिर रिहर्सल होती थी, फिर उसके बाद 4 दिन शूट होती थी, तो बिल्कुल, क्योंकि रिपीट भी नहीं होते थे प्लेज, ना यूट्यूब था ना कुछ था, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे आइडिया इस तरह से हुआ कि कोई 5वीं 6वीं एपिसोड के बाद एक दिन शूट जल्दी ख़त्म हो गई, मैंने कहा तारिक रोड से कपड़े ले लूँ, कपड़े ख़त्म हुए हैं, तो मैं वहाँ गई कपड़ा लेने, तो कहते बाजी अभी नहीं कपड़ा देगा, दुकान बंद कर रहा है। मैंने कहा क्यों, अभी तो टाइम है। ये सर नहीं नहीं आज ड्रामा आना है, दुकान बंद करके, सड़कें भी खाली है। मैं कह रही हूँ कौन सा ड्रामा आना है, आँच आना था। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ, फिर मेरे अब्बू ने कहा कि मेरे जो बॉस हैं उनकी वाइफ तुमसे मिलना चाहती हैं। फिर इस तरह से डिफरेंट लोगों के, मेरी अपनी फैमिली में लोग कहने लगे कि अम्मी कहती हैं, मैं वहाँ गई थी तो किसी ने कहा कि इनकी बेटी है शगुफ्ता इजाज़, उन्होंने कहा वो जो आँच में आती उल्फत, आज भी मुझे YouTube पे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि उल्फत, हम तो आपको उल्फत ही जानते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आई वाज अ पार्ट ऑफ आँच। और मुझे लग रहा है जब आपके फादर ने बोला होगा तब आपको कितना खुशी फील हुई होगी, क्योंकि आप इतना उन्हें कन्विंस करके गई थी फॉर हिम टू से कि मेरे बॉस की बेगम या बॉस मिलना चाहते हैं आपसे, वो तो एक आपका उसको उस दिन खुशी का लेवल ही कुछ और होगा कि बहुत यार, खुश थी। और उन्होंने तारीफ भी की कि बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं तो शूट पे होती थी, वो लोग घर पे देखते थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद कभी बाहर निकली बाद में लेटर ऑन, जब
ख़त्म हो रहा था या तो कभी कोई और फैन रिएक्शन हुआ जो आप शेयर कर सकें? बहुत, उन दिनों अगर कोई किसी शादी में चले जाते थे तो मुश्किल हो जाता था बैठना, ऑटोग्राफ का फैशन था तो बस लोग मिलके इतने खुश होते थे, हाथ पे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मैं तो धोऊंगी नहीं, और पैसों पे ले रहे हैं, टिश्यू पे ले रहे हैं, किसी भी तरह से वो जो उनकी आंखों में खुशी होती थी ना उस वक्त मिलके, क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेड होता था, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, सिर्फ एक टीवी ही था जहाँ वो हमें देखते थे, और उसके बाद अगर अपने सामने देखते थे तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती थी। अब थोड़ा सा मैं एक पर्सनल सवाल आपसे करूँगी, इफ़ यू आर ओके टू आंसर दिस, जब आप खुद सिंगल मदर बनी तब आज की कोई मेमोरी याद आई या तब आज में जो कुछ हुआ, बिकॉज मुझे याद है आपने एक जो एक दो जगह बोला भी है कि आज करके आपको रियलाइज़ हुआ कि जब औरत वापस जाती है या चेंजेस होती हैं ज़िंदगी में शादी के बाद तो वो कैसे चीज़ें वैसे नहीं रहती जैसे पहले होती हैं, उस वक्त कुछ आज की जो लर्निंग्स थी वो आपको हिट की या आपको वो जैसे डेजा वो नहीं होता कि यार ये तो उल्फत के साथ मैंने कभी ऐसा होते हुए सोचा नहीं। माई केस वॉज डिफरेंट क्योंकि मैं घर नहीं गई, मैं अपने अपार्टमेंट में ही थी अपनी बेटी के साथ, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई अदर चाइल्ड व्हेन आई बिकेम अ सिंगल पेरेंट, तो वहाँ पे हार्डशिप का लेवल और था। घर वालों का ये रवैया देखना आई एम श्योर वो ज़्यादा तकलीफ़ देह होगा क्योंकि आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिला। हाँ, तो मेरे लिए हार्डशिप ये थी कि मुझे ख़ुद सब कुछ करना पड़ता था, पूरा घर मैनेज करना पड़ता था उस प्रेगनेंसी में, फिर मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में हों या उनको कोई चीज़ इस तरह से हिट करे, तो मैं उन्हें भी बहुत टाइम देती थी, और जब वो सो जाते थे फिर मेरा एक पाइल होता था इतना बड़ा कपड़े इस्त्री करने का, वो मैं इस्त्री करती थी कपड़े, फिर क्योंकि पूरा दिन मैं फ्री होती थी जब बच्चे सोते थे, मतलब उस वक्त तो हया ही थी तो हया के साथ साथ मेरा टाइम वो होता था। हाँ, मैं अपनी दूसरी बेटी जब पैदा हुई है तो उस वक्त अनिया की पैदाइश के लिए मुझे बुखार हुआ, और उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा कि एडमिट होना पड़ेगा, तो विल इंड्यूस बिकॉज बुखार सही नहीं है। तो उस वक्त फिर मैंने भाई को कॉल किया कि ये हया को ले जाए यहाँ से, तो इससे इस तरह से है, तो आई वाज ऑल अलोन इन द हॉस्पिटल, सब उस वक्त अपने अपने उसमें बिजी थे, एंड माय बड़े भाई अमेरिका में थे, एक भाई लाहौर में थे, अम्मी अब्बू थे, तो अम्मी को हेल्थ इश्यूज़ शुरू से ही थे, तो मतलब माय फादर वाज नेवर ओके कि बच्चे वहाँ छोड़ें ताकि यू नो माय मदर कांट हैंडल दैट एनी मोर, बट माय मदर वांटेड टू हेल्प मी विद दैट। तो एक दिन मैंने हया को छोड़ा, व्हेन आई डिलीवर्ड तो अगले दिन फिर घर से वो सूप वूप आया और ये सब, तो उन्होंने मुझे बताया कि हया को बहुत तेज़ बुखार है, तो शाम में फिर मैं ड्राइव करके ही आई थी, मेरी गाड़ी वहीं पर थी क्योंकि हया जब मेरे बगैर रहती थी तो उसे बुखार हो जाता था, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, तो शी हैड 104 टेम्परेचर। हया पौने दो साल की थी जब अनिया पैदा हुई, तो मैं खैर रात में छुप के चादर वादर ले के अनिया को नर्सरी छोड़ के गाड़ी चला के गई और हया को लेके आई, इमरजेंसी लेके गई उसे, तो बहुत तेज़ बुखार था, फिर उसे मैंने अपने पास ही रखा हॉस्पिटल में, वार्ड में ही रखा, तो मतलब वो अटैचमेंट जो थी वो हमेशा, एक दिन एक दफ़ा मैं प्ले करने गई थी तब भी उसे बुखार हो गया, सो सम हाउ शी कुडंट लिव विदाउट मी। तो खैर फिर मैं गई घर में, तो मुझे थोड़ी बहुत, नॉट टू दैट एक्सट्रीम, लेकिन एक हवाले से उस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ी और मुझे बहुत दुख हुआ, एंड एज आई सेड आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव, और एक इंडिपेंडेंट औरत के लिए तो ये मौत होती है। सही कह रही हैं। तो मैं खैर फिर वापस आई घर, और शायद इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए थे ज़िंदगी के, वो जो एक डिलीवरी का फेज़ गुज़रा मुश्किल, और जब मैं घर वापस आई तो हम तीनों को चिकन पॉक्स हो गए, वो एक फ़ेज़ गुज़रा, बट लकीली आई फाउंड अ वुमन, बुआ एक थी जो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ही ज्वाइन किया था, मेरी एक फ्रेंड लेके आई, बिहारी थी वो, तो उन्होंने बहुत प्यार से रखा हम सबको, तो शी वॉज़ विद मी,
तो खैर जब चिकन पॉक्स ठीक हुए तो मेरा एंकल का हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया. मैं फिर एक के बाद एक खैर मेरा फेथ बिल्कुल नहीं शैटर हुआ और फाइनली देन आई वाज आउट ऑफ इट. फिर मैं ये सोचती थी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये सोचना कि अब मैं ज़िंदगी में करूँगी क्या. पहले मैं सोचती थी कि एक कमरे में सैलॉन स्टार्ट करूँ. ये आइडिया मेरे माइंड में आया तो मैंने डेप्लेक्स से जाके एडवांस कोर्स किया, तो हेयर एंड मेकअप में वो कोर्स हो गया. उसके बाद फिर कोर्स के बाद ही मुझे सीमा ताहिर ने जॉब ऑफर की अपने इंटरफ्लो में एज कॉपी राइटर. तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. वो मैंने कुछ अर्सा की मगर वो सैलरी इतनी कम थी कि वो जितने पैसे होते थे मेरी गाड़ी के फ्यूल में ही लग जाते थे. सो वो भी मैंने छोड़ दी. फिर उसके बाद मुझे इकबाल अंसारी साहब का फ़ोन आया. उन्होंने कहा कि मैं तो समझा था कि आप मुल्क छोड़ के चली गई हैं, आप तो यहीं पे हैं. तो ऐसा करते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ तो उसमें एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, कास्ट भी अच्छी है और 25 मिनट का है. तो खैर उस ज़माने के हिसाब से पैसे मुझे बेहतर लगे, तो वहाँ से फिर मैंने दोबारा से काम शुरू किया. अच्छा, तो बीच में आपने एक्टिंग से ब्रेक लिया हुआ था? ब्रेक लिया हुआ और था. ये आप वापस दोबारा आई? ओके. फिर मैं वापस से मैंने एक्टिंग शुरू की और फिर उसके बाद तो ब्रेक नहीं आया? फिर तो आप कंटिन्यूस नहीं करते उसके रहे. बाद ब्रेक नहीं आया. ऑन एंड ऑफ. उसके बाद ये टाइम आ गया था कि मैं 4-5 शूट एक दिन में कर रही होती थी, बिकॉज मुझे काम से मसला नहीं होता था. आई वॉन्टेड कि मैं अभी इतनी मेहनत कर लूँ जब बच्चे छोटे हैं, यू नो, जब टाइम आएगा. उस वक्त सिर्फ ये होता था कि मैं बच्चों को इतना मिस करती थी बिकॉज मैं उनको काफ़ी दिन मिल नहीं सकती थी, बट मेहनत से नहीं. मेरा एक दोस्त था आतिफ हुसैन, तो उसका एक प्ले था, उसने कहा हम एक साथ ही एक गो में ख़त्म करेंगे टेलीफिल्म, 2 घंटे की टेलीफिल्म. मैंने कहा कर लो, मैं यासिर नवाज़. तो हमने वो एक सुबह गए, वो पूरी रात शूट किया, अगला दिन पूरा शूट किया, अगली रात शूट किया. फिर उसके बाद मैं घर आई, बच्चों से मिली, मुंह हाथ धो के थोड़ा सा रेस्ट करके 1-2 घंटे फिर वापस गए, फिर काम ख़त्म करके 6-7 घंटे में फिर ख़त्म किया हमने वो शूट. तो इसी तरह से मतलब मैं मीडिया की सुल्तान रही थी दैट पे कि गाड़ी में जाते जाते ही बाल खोल रही हूँ, वो कर रही हूँ ड्राइव करते हुए, और एक शूट से दूसरी शूट, दूसरी से तीसरी, और बीमारी तकलीफ कुछ नहीं नज़र आता था. मुझे ये पता था कि ये मेरा टाइम है और मुझे काम करना है. तो फिर सैलून का आइडिया कब आया और आपने क्यों खोला वो? वो आइडिया तो हिट कर गया था ना मुझे. तब का आया था. उसको प्रैक्टिकल मतलब वो तब तो था, लेकिन किस चीज़ ने पुश किया कि अब इट्स टाइम मैं सैलून खोलूँ? क्योंकि करियर तो आपका सही चल रहा था, आई एम श्योर इनकम वाइज भी इट मस्ट बी डूइंग ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद खैर इतना अच्छा नहीं था. अच्छा, ओके. बहुत ग्रेजुअल था ये प्रोग्रेशन, बिकॉज उन दिनों भी पैसे इतने अच्छे नहीं मिलते थे जब प्राइवेट प्रोडक्शंस नई आई हैं. तो उसमें उस वक्त ये बड़ा दौर था, सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को आप किसी चीज़ के लिए एक्सपोज नहीं कर सकते थे. तो अक्सर ये भी होता था कि बहुत सारे चीटर्स भी इस फील्ड में आ गए. पेमेंट नहीं होती थी और वो मुकर जाते थे. तो मेरे साथ भी 2-4 केसेस इस तरह के हुए, बट ये खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज कि ये अपनी उससे, क्योंकि मैं जब शूट पे जाती थी तो पैसे जेब में कुछ नहीं होते थे, और मैं पूछ रही होती थी ये फ्लैट कितने का है, यहाँ प्लॉट कितने का मिलेगा. तो मैं ये इंक्वायरी होती थी मेरी जब मैं शूट पे कहीं भी जाती थी. मरी गई हूँ, लाहौर गई हूँ, इस्लामाबाद गई हूँ, इवन टू स्कॉटलैंड. मतलब हद है ये भी. नो आई लाइक इट. मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुनिए कि आपने हमेशा ऊपर देखा. तो मुझे फिर इसी तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक मेज़नाइन बुक कराया. उसके लिए मैं एक पॉकेट मनी जो थी अपनी एक सर्टेन अमाउंट वो निकालती थी. फिर वहाँ से मैंने अपने सामने वाला अपार्टमेंट ख़रीदा. तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज मेरे माइंड में ये था उस वक्त कि मैं बच्चों के लिए आई वॉन्टेड कि बाय द टाइम दे ग्रो अप, अपनी इंश्योरेंस भी करा ली कि व्हाट इफ़ समथिंग हैपन्स टू. मुझे सबसे बड़ा फेयर ये होता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्चियों को कौन देखेगा. सो आई वॉन्टेड के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों. तो मैंने पॉलिसी भी वो ली थी कि उन्हें उनकी एजुकेशन विल बी लुक्ड आफ्टर और उनको एक्सपेंसेस मिलेंगे. तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब टाइम गुजर गया,
एंड ऑल वेंट वेल अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने सैलून खोल लिया? फिर सैलून खोला मैंने, खैर मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके, बल्कि आई रिमेंबर शफ़ी साहब थे साथ, साथ तो नहीं थे लेकिन वो आए थे सैलून देखने, एंड इमरान अब्बास, बहुत से ऐसे शोबेज के, हाँ तो उन सबको मैंने बिठाया, मैंने कहा डिज़ाइन करो जगह, चलो जगह देख के आते हैं। आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो हमने एक मेज़नाइन लिया था 26 स्ट्रीट पे, वहाँ से शुरू हुआ। फ्लॉप था आइडिया, वैसे स्टैंडर्ड वाइज तो बहुत अच्छा हुआ सब, बट मैं शिफ्ट हो गई थी कारसास। ओके, तो यहाँ से आना जाना, एंड देन आई वाज एक्सपेक्टिंग नबीहा, तो उस फेज़ में फिर आना मेरा रेगुलर इतनी दूर, और वो मैं लुक आफ्टर नहीं कर सकी, तो लड़कियों ने अपने तौर पे फिर काम करना शुरू किया। तो वो बिज़नेस पहले महीने तो इट टुक ऑफ सो वेल, सेकंड मंथ, और तीसरे महीने के बाद इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, तो वो एक्सपेंसेस मुझे फिर देने पड़ रहे थे ऐसे ही। खैर वो एक साल के बाद, डेढ़ साल के बाद मैंने वो सैलून बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इधर आऊँगी, बिकॉज़ मेरी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो इधर जौहर, गुलशन, नॉर्थ इस साइड पे है। तो हमने जगह देखनी शुरू की गुलशन में और जौहर में, तो जहाँ मेरा सैलून अब है ये जगह हमें मिली, अच्छी लगी, मेन रोड पे थी और हमारे बजट में आ रही थी, बिकॉज़ घर बहुत महंगे थे तो मैं लोन के ऑप्शन पर जाना नहीं चाह रही थी। तो वो जो मैंने कुछ सेविंग की थी, कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, वो बेच के फिर सैलून लिया, उसके बाद इसे रेनोवेट कराया, स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे लग रहा है मैं वो जो इंग्लिश की मूवीज़ नहीं होती, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, और वो मैं उनकी कोई कहानी सुन रही हूँ, और मतलब इट्स सो अपलिफ्टिंग ना कि ये हुआ, एंड देन देयर आर सो मेनी चैलेंजेस जो आपने फेस किए, बट यू आर स्टिल गोइंग ऑन। एंड बट एक मैं ऐसे पूछती जा रही हूँ सवाल मेरे अंदर, हाँ श्योर, आपने क्यों चूज़ किया अकेले रहना, जब आप when you became a single mother, आप अपनी फैमिली के साथ जाके क्यों नहीं, बिकॉज अकेले रहना ना बहुत टफ होता है। मेरे लिए आसान था अगर मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर करती, बिकॉज मेरा और मेरे फादर का जो रिलेशनशिप था, कम्युनिकेशन नहीं थी हमारी, यू नो, सिर्फ मैं आपको बीच में कट करूँ, इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत सी खवातीन जब इस स्टेज से गुजरती हैं तो एक नेचुरल वो होता है कि नहीं माँ बाप के साथ ही रहो। मैं इस पर भी बात करना चाहती हूँ कि क्या इन सम केसेस इट्स बेटर कि लड़कियां अकेली रहें। इन माय केस यू नो, उससे कंटिन्यू करके अपने एक्सपीरियंस से मैं शेयर करना, मैं जानती थी कि क्योंकि जब ये हुआ तभी मुझे लगा कि मुझे अब बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, यू नो दैट वे कि पीपल विल अप्रोच मी, और लेकिन मेरी प्रायोरिटी और मेरे सामने मेरी बेटियों के अलावा कुछ भी नहीं था। सो आई हैड फ्रेंड्स यू नो हु वुड सपोर्ट मी and encourage me to go on in life, and bahut balki meri ek dost ke alfaz mujhe abhi tak yaad hain, Seema, she said ab tumhe bionic woman ban jana hai, tum ab is cheez ko apni energy banao, jitna tum isko sog banaogi utna tum niche dabti jaogi। to wo mere liye bade encouraging the, aur maine waqai uske baad ek ye bhi sabak seekha ki aap jitne sad ho life mein, आप वही टाइम होता है उठ के खड़े होने का, True. जब आपका दिल चाह रहा होता है कि गिर जाएं बस, yeah. तो वही किया मैंने, और उसके बाद तन्हाई परेशान करती थी, इस तरह के केसेस भी होते थे, लेकिन आई केप्ट माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मैं अपने बच्चों तक का एक्सेस किसी ऐसे शख्स को नहीं देना चाहती थी जो एक अच्छा हस्बैंड तो हो लेकिन अच्छा फादर ना बने। True. तो इसलिए फाइनेंशियली आई यूज़ टू फील कि ये मुझे कमाना ही पड़ता है तो मुझे अपने बच्चों को इतना छोड़ना पड़ता है ना, उस हवाले से फिर मेरे जहन में आता था कि यार आई शुड गेट मैरिड, एटलीस्ट यू नो आई विल बी समबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मुझे काम इतना नहीं करना पड़ेगा। थकावट आ जाती थी? थकावट भी नहीं आती थी। अच्छा, नहीं मैं थकती भी नहीं थी, नींद भी नहीं पूरी होती थी, सब चीज़ें अपनी जगह, दे वर ऑल फाइन। मसला ये होता था कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। आई वॉन्टेड टू हग दैम, आई वॉन्टेड टू कडल, बस वीकेंड होता था उस पर मैं उन्हें लेके जाती थी बाहर, और वो हम टाइम गुजारते थे साथ, चाहे जितने बजे भी मैं आई हूँ उन्हें मैं सिंदबाद लेके जाती थी, फिर खाना हम साथ खाते थे, सोते साथ थे। तो उन दिनों तो खैर फ्राइडे होता था, तो थर्सडे वुड बी आर फन टाइम टुगेदर।
तो मुझे उस वक्त फिर फील होता था कि नहीं, मुझे सोचना चाहिए कि आई शुड सेटल डाउन. लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा, मुझे एक ये फेयर बहुत था मेरे अंदर कि इफ़ आई मैरी समवन माय एज, यू नो, मेरी बच्चियां कल बड़ी होंगी तो यू नो ही माइट नॉट बी अ गुड फादर, या उसकी नीयत अगर बुरी हो गई मेरी बेटियों के लिए तो मैं तो मर जाऊंगी. तो देन माय हस्बैंड, आई डिड अ सीरियल फॉर हिम, ही हैड अ प्रोडक्शन हाउस न्यूक्लियस, तो ही फेल फॉर मी. एंड मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, यू नो, समबडी हु हैज़ चिल्ड्रन एंड पता नहीं इंसाफ कर पाएंगे या नहीं. बट वो इतना ग्रेजुअल था सब कुछ कि बच्चे अटैच हो गए और मुझे अंदर से आवाज़ आने लगी कि है. बट रीअश्योरेंस में मैंने कोई 2 साल का टाइम लिया, सोचा. और हम जाते थे, बच्चों को बाहर लेके भी जाते थे और मैं ऑब्जर्व करती रही. तो उसके बाद फिर यू नो ही केप्ट प्रपोजिंग मी. एंड उनकी भी, उनकी वाइफ से सेपरेशन हुई हुई थी, देयर रिलेशनशिप वाज ओवर फॉर लास्ट 10 इयर्स. ओके, तो वो भी उसी तरह से उनके अपने बच्चे. हाँ, उनके 2 बेटे. उनसे आप मिलती थी, कभी मिली थी उनसे? नहीं, उनसे मेरी एक ही मुलाकात हुई व्हेन दे केम टू नो दैट आई वांट टू मैरी हिम, बिकॉज ही वाज अ रिच मैन, ही हैड अ बिग हाउस. सो एवरीवन फेल्ट इनसिक्योर के मेरी अपनी इंडस्ट्री के लोग, मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन करके कहा, बहुत बड़े बड़े नाम, कि शादी के बाद ज़िंदगी तो बड़ी सिक्योर हो गई होगी. और मुझे बड़ा दुख हुआ, बट इट्स ओके, दिस इज़ हाउ पीपल आर. 2 साल लगाए उन्होंने आपके पीछे, आप 2 साल तक उनको सबर का उनका आजमाया आपने, तो क्यों, वट वर यू हेजिटेटिंग अबाउट, वट वर द मेन 2-3 थिंग्स जो आपको ये हाँ कहने से रोक रही थी, फिर क्या हुआ जिसने हाँ कहलवाया? एक तो ये था कि we have a huge age difference. Okay, theek hai, that was a concern for you. It was a concern for me. Mental compatibility lagti thi unse? Ye bilkul thi, lekin mujhe lagta tha ki what if somewhere in life, you know, I change because of his age, because now he's active, he's okay, he's fine, I'm okay, because by the time he becomes my age, I become his age, and he'll be much older. So what if I start feeling ashamed, or if I start hesitating, or if I start avoiding him or change with him? तो मुझे अपने बारे में ये reassurance चाहिए थी कि अगर मैं ये responsibility लूँ, मैं तो expect कर रही हूँ that he be a good father, लेकिन मुझे खुद भी ये देखना है कि मैं इस चीज़ पे पूरी उतरूंगी या नहीं, इस साइड का मैं निभा सकूंगी, मैं निभा सकूंगी या नहीं. तो जब मुझे लगा कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता जा रहा है, एंड आई लव हिम एंड ही लव्स मी टू द एक्सट्रीम एंड माय डॉटर्स लव हिम, तो देन आई डिसाइडेड. एंड जब वो भी कंफर्टेबल हो गई, उनसे भी मैंने पूछा, सो दे सेड यस वी लाइक हिम. एंड तो टुडे आई कैन से that it was the best decision of my mashallah, life. Mashallah. He was a very good father. I have 2 more daughters from him. Jee. And उन चारों की bonding जो है वो इतनी strong है आपस में कि लगता नहीं. और याया तो सबसे equally प्यार करते हैं, हया से वो सबसे ज़्यादा attached है. That's so Haya, lovely to hear, mashallah. Haya से सबसे ज़्यादा attached है. बल्कि at times I used to give up कि नहीं, ये सुनती नहीं है, ये इस तरह, इसने पूछा नहीं. I was very particular. Single parents हो जाते हैं, especially mothers. तो he used to say कि नहीं नहीं, आप देखिएगा, आप देखिएगा. और उनके इसी faith ने आज माशाल्लाह दोनों settled हैं. They have good husbands, good families. तो इससे बढ़ के और क्या एक माँ को चाहिए होता है, आफ्टर ऑल द स्ट्रगल एंड ऑल द टफ जर्नी, अगर उसका अंजाम ये हो तो फिर शुक्र ही शुक्र है बस. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी ऑनेस्टली ये बातें शेयर की हैं, बिकॉज आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. हम लोग बड़ा वो रोमांटिसाइज करते हैं चीज़ों को, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल ये कंसर्न्स होते हैं जो किसी भी रिलेशनशिप में या दो लोगों के दरमियान आ सकते हैं. जो आपने आज बात बोली है, शायद मैंने कभी सोचा नहीं कि हाँ, अगर एज डिफरेंस इतना हो तो सिर्फ हम मर्द से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन औरतों को भी कंसर्न हो सकते हैं या किसी एक को भी कंसर्न हो सकते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो क्या मैं अपने हिस्से की ड्यूटी उस तरह
निभा सकूंगा या निभा सकूंगा. दिस इज समथिंग सो अमेजिंग दैट यू शेयर्ड एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज मुझे लगता है बहुत से लोगों के शायद दिलों में ये बात हो लेकिन वो कह नहीं पा रहे हो. आज आपकी बात सुन के उनको हौसला हुआ होगा, वो बहुत क्लियरली इस चीज़ को फेस करके डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हमें जाना है या नहीं जाना. क्योंकि आपको कहना पड़ता है इसलिए कि दूसरों का भी हौसला बने और वो भी इन चीज़ों को फेस कर सके. और जब आप फेस कर लेते हैं तो फिर कहने में आपको तो आपके जो फियर्स थे सारे, जो मुझे लगता है कि बहुत वैलिड थे, वो एक लड़का या लड़की किसी के भी हो सकते हैं इन अ मैरिज एंड विदाउट एज डिफरेंस या किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है मैरिज की. आप क्या कहेंगी कि जब ऐसे फियर्स होते हैं ओवर द टाइम, आपको लगा कि बेबुनियाद थे या बेबुनियाद नहीं थे, चीज़ें हुई, आपने उनको चैलेंज को फेस किया, यू ओवरकेम, व्हाट वुड यू से जब ऐसे कंसर्न्स होते हैं? बिल्कुल होने चाहिए और हर तरह से आपको ये यकीन दिलाना चाहिए अपने आप को कि यस. और वो आवाज़ आपकी अंदर से रूह से कहीं आती है जब आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं. लाइक मेरे लिए यस का साइन ये था फॉर हिम दैट वी ऑल फेल्ट वेरी हैप्पी विद हिम. यू नो उनके साथ एक सुकून सा महसूस होता था, एक वी यूज़ टू फील सिक्योर एंड लाइक यू नो एक फैमिली अपने घर के मर्द के साथ फील करती है. तो वो फीलिंग शुरू हो गई थी एंड देन हिज चिल्ड्रन केम अप विद द थिंग के यू नो यू नेवर ऑब्वियसली दे डिडंट नो मी सो इट्स बट नॉर्मल के शी इज़ आफ्टर योर मनी एंड ऑल दैट. तो दे हैड अ मीटिंग विद मी. उसके बाद फिर मैं उनके साथ बैठी, उनसे मिली और मैंने उनसे कहा कि दे आस्ट मी दैट What is the reason you want to marry him? What is the reason you want to marry him? मैंने कहा I love him. You know, I'm marrying him for my daughters because I feel he can be a good father. And love का क्या reason हो सकता है? So उनको थोड़ा सा ये fear था and जो कि उसके बाद दूर हो गया और अब हमारा बहुत अच्छा relationship है. मतलब मुझसे वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत respect करते हैं. कोई बात होती है तो उनके बड़े बेटे मुझसे पूछते हैं बिकॉज जो उनका है वो उनका है. आई डिड नॉट टच दैट. ऑब्वियसली बच्चों का जो हक होता है वो. हाँ मैंने इनसे ये भी कहा कि व्हाट आई डिड फॉर माय एल्डर डॉटर्स पूरी ज़िंदगी कमा के अब शायद मुझ में वो हिम्मत ना हो कि मैं छोटियों के लिए वो सब कर सकूँ. आई ट्राई लेकिन इनके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा. तो देन ऑब्वियसली जो वो कर सकते थे उन्होंने बेटियों के लिए किया, ये घर बनाया जिसमें हम रह रहे हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो वो ट्रांजिशन कैसा था, एक सिंगल मदर जो हर डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले रही है, खुद ले रही है, टू कम इन अ रिलेशनशिप और फिर वहाँ पूछना और ख्याल रखना, लाइफ चेंज होती है ना. आप एक और इंसान ज़िंदगी में शामिल हो जाते. वो ट्रांजिशन कैसा था, मुश्किल था? हाउ डिड यू डू इट? मुश्किल था शुरू में, थोड़ा सा मुश्किल हुआ बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो आप थोड़े टाइम के लिए किसी के साथ होते हैं देखते हैं, तो फिर जब आप एक साथ रहना शुरू करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है. एक दो चीज़ें ऐसी थीं जो लाइक मैं खुश हो गई थी ये सोच के कि शायद अब मुझे कभी कभी काम करना पड़े अपनी मर्ज़ी से एंड ऑल. बट देन आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि मेरी बेटियां तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है. उन्होंने फिर जॉब करनी शुरू की सो आई टोटली अंडरस्टैंड. आई थिंक ये भी बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने आप उसके बाद जॉब करना स्टार्ट की इस एज पे. तो बिकॉज एक्सपीरियंस तो इनका बहुत ज़्यादा है. एक्स कस्टम ऑफिसर थे, फिर उसके बाद प्रोडक्शन हाउस एंड ऑयल फील्ड का एक्सपीरियंस एंड ऑल. तो फिर इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, उनके ये कंसल्टेंट थे. तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं. एंड देन यू नो वो सारी ज़िंदगी काम करने के बाद वो जो ड्रेसअप होने की ख्वाहिशात थी और अच्छा पहनना है, जो 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 मेरे अंदर था वो मैं पूरा करना चाहती थी. सो आई स्टार्टेड वर्किंग. आई न्यू के यू नो देर इज़ अ फादर फिगर. और जब मुझे ये यकीन हो गया फिर एक दफ़ा उन्होंने हल्के से मुंह से कहा कि आप बहुत स्पेंड करती हैं. सो स्वीट आई लाइक द वे लाइक बहुत स्पेंड करती हैं. अच्छा सो मुझे मैं समझ गई. लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट माय हस्बैंड इज दैट ही लेट्स मी डू व्हाट एवर आई वांट टू. माशाल्लाह से मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो दुगना हो गया है इनकी वजह से. बिकॉज मेरी खुशी और अचीवमेंट में जितना ये खुश होते हैं
जितना ये मुझे सपोर्ट करते हैं उन चीज़ों में जो मैं करना चाहती हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है. एंड आई फील आई एम वेरी लकी दैट वे कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला. एंड नॉट जस्ट फॉर मी, बच्चों के लिए भी. उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना, उन्हें ये यकीन दिलाना कि तुमने जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ. तो इस तरह से वो ट्रांजिशन जिसकी आप बात कर रही हैं वो बहुत आसान हो गई मेरे लिए. कि मतलब वो उस तरह के टिपिकल हस्बैंड नहीं है कि मुझसे पूछें, मुझे बताएं या फोर्स करें. मेरा किसी चीज़ पे दिल चाहता है, मैं इनसे कहती हूँ कि ये करना है, वो मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं, आइडियाज़ देते हैं, इसको ऐसे करो, ऐसे ना करो. फिर हम डिस्कस करते हैं कि नहीं ऐसे, इस तरह से हो जाएगा. तो यू नो ही मेक्स श्योर कि किसी ना किसी तरह से वो हो जाए. तो अब बच्चों की शादियाँ हुई हैं, उसमें इनकी जो सपोर्ट रही है, एंड उनके ससुराल वालों से जो इन्होंने अपने रिलेशनशिप बनाए हैं, ऑल फॉर आवर डॉटर्स. बिल्कुल. आप क्या एडवाइस करेंगी उन ख्वातीन को जो सिंगल मदर्स हैं और अब दूसरी बार शादी करने जा रही हैं? कुछ कॉशन या कुछ चीज़ें जो आप बोलेंगी उनको सोच लेनी चाहिए. और उन मर्दों को भी क्या एडवाइस करेंगी जो अब सिंगल मदर से शादी करने का सोच रहे हैं? मैं औरतों को तो ये एडवाइस करूँगी कि वो बिल्कुल 100% डिपेंड ना करें और उस सिग्नल और उस घंटी का वेट करें जो आपके अंदर से अल्लाह की तरफ से आती है, वो यकीन कि यस ही इज़ द वन फॉर मी. और जल्दी नहीं करें. पहले ये यकीन करें, उसके बाद सारी बात करके. क्योंकि जब कोई सिग्नल आपको लेना होता है ना, जब आप अपने दिमाग को खुला रखते हैं, तो कोई बात किसी ना किसी के मुंह से ऐसी निकल आती है जिससे आपको पूरी पर्सनैलिटी जो है वो पता चल जाती है कैसी है. डिसीजन आसान हो जाता है आपके लिए. तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें. यू नो, हर बच्ची को इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सही बात है. आई फील दैट वे कि मेरी बेटियों के लिए मेरा पहला जो मकसद है वो ये है कि वो इंडिपेंडेंट हों. मैंने अपनी छोटी बेटी को, सबसे छोटी बेटी जो 13 ईयर्स की है, उसे मैंने जॉब दी हुई है. वाओ, माशाल्लाह. वो मेरी यूट्यूब की वीडियोस वो एडिट करती है. अरे वाह, इतनी जबरदस्त. बहुत अच्छा एडिट कर रही है भैया, जबरदस्त. शी इज जस्ट 13. या माशाल्लाह. अब मैंने जो नबीहा है, नबीहा से मैंने कहा है कि कोई भी चीज इंपोर्ट करो, उसका पेज बनाओ, वो शुरू करो. अब शी स्टार्टेड नेल बिजनेस. अब वो स्टॉक नहीं आ पा रहा है वहाँ से, तो इस वजह से वो थोड़ा होल्ड पे है. तो उसको नबीहा लुक आफ्टर करती है. वो नेल्ड इट बाय ईएन इमान एंड नबीहा. तो अब मैंने नबीहा से कहा है कि थोड़ा सा सैलॉन को वीकेंड पे टाइम दिया करो. सो शी विल आल्सो हैव अ सैलरी. तो दोनों चीजें वो साथ. आई रियली लाइक योर आइडियाज माशाल्लाह से. क्योंकि बच्चियों को स्पेशली इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी है. हमारे माशरे में अब आज तक सोच ये है के दबा के रखो और शादी दबा के रखो और इनको जूते की नोक पे रखो. तो अगर औरतें इंडिपेंडेंट होंगी, एक तो वो एटीट्यूड चेंज होगा ससुराल वालों का, और दूसरा ये कि मर्द को भी ये पता होगा कि यू नो शी इज़ ऑलरेडी ऑन अ फीट, तो मैं इसके साथ ज़रा बराबरी का ही सलूक करूँ तो बेहतर है. सो ये चीज़ें जो हैं बेटियों के, जितने भी माँ बाप हैं, मैं उनसे कहूँगी. और अगर कोई लड़का सिंगल मदर से बच्चों के होते हुए शादी करना चाहता है, तो उसको अपने आप से ये पूछना है कि कल को अगर उनके अपने बच्चे होंगे तो क्या वो फिर भी इन बच्चों से अपने बच्चों की बराबरी का सलूक कर सकेगा, या उन्हें उस मेंटल ट्रॉमा में रखेगा और कि हम इनसे कमतर हैं. अगर ऐसा कोई भी जवाब उनके अंदर आता है, तो ये कदम ही ना बढ़ाएं प्लीज़. उनको सिंगल मदर्स रहने दें, वो उठ के खड़ी हो जाएंगी, अल्लाह मालिक है, कभी ना कभी लाइफ में यू नो वो सर्वाइव कर जाएंगी. लेकिन एक बुरी शादी में होने से बेहतर है कि बंदा अकेला रहे. थैंक यू सो मच. इतनी ये खूबसूरत आपने बातें बोली. आई थिंक ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो जिन पर बात करना बड़ी ज़रूरी है. हम हर चीज़ को बड़ा आइडियलाइज करते हैं कि नहीं नहीं कर लो, ये कर लो, बट हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और उनको रियलिस्टिकली तरीके से देखें तो चीज़ें बेहतर हो सकती. और मशवरा ज़रूर करना चाहिए राबिया. ये मैंने ज़िंदगी में देखा है कि आप किसी एक शख्स से जो आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो, उससे आप मशवरा करें, माने ना बात, लेकिन एटलीस्ट आपको एनालाइज करने के लिए कोई दूसरी चीज़ हाथ में होती है, पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा भी आ जाता है. तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है. आपको किस एज पे लगता है कि लड़कियों को के साथ बीइंग अ मदर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कम करके
फ्रेंडली हो जाना चाहिए, बिकॉज आजकल ये बड़ी डिबेट होती है ना कि नहीं माँ बाप को तो दोस्त ज़्यादा होना चाहिए, या माँ बाप, फिर कुछ माँ बाप कहते हैं नहीं भाई दोस्ती वोस्ती नहीं, हम तो माँ बाप ही हैं। आपने कहाँ बैलेंस रखा और किस एज पे आपको लगा कि यार अब मुझे दोस्त होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? हया अनिया के लिए तो आई थिंक जब तक उनकी स्कूलिंग थी, कॉलेज शुरू होने से पहले तक आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, इवन उसके बाद भी। लेकिन अब नबीहा और ईमान के साथ वो कंप्लेन भी करती हैं, हमारी तो बहुत कुट लगती थी, अब इनको कोई भी कुछ भी कर जाए मैंने कहा नहीं, मैं इनको भी कभी कभी मारती हूँ, एक थप्पड़ मारती हूँ, लेकिन ये है कि हाँ फिर वो ये होता है कि यस, जब वो झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बच्चों के लिए, आई वॉन्ट कि मेरे बच्चे जो हैं वो सच बोलें, और नमाज मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती कि नमाज छोड़ें। ओके माशाल्लाह, तो ये दो चीज़ें हैं। आई थिंक इनके साथ तो इतना ज़्यादा नहीं है, इसी एज से ऐसी नौबत ही नहीं आई, एक दो चार दफ़ा के अलावा शुरू से लेके अब तक अगर बात करें तो। बाकी ये है कि दे आर गुड किड्स। आई थिंक पेरेंट्स को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। आई ऑल्सो फील कि हया निया के साथ भी शायद मुझे इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी, मगर हो गई। एक दफ़ा अनिया ने झूठ बोला और उसका कोई डायरी में होमवर्क मिला था, तो मैंने कहा मिला है, शी सेड नहीं, क्योंकि हम बाहर जा रहे थे घूमने, शी सेड अगर मैंने कह दिया तो फिर मुझे नहीं लेके जाएंगी, शी सेड नहीं। तो एकदम से मुझे वो माएँ होती हैं ना, उनके अंदर घंटियाँ बजती हैं बहुत, तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने कहा डायरी चेक कराओ ये मुझे भूल गया था, मुझे अनिया ने याद कराया, तो मैंने फिर डायरी के अंदर से पेज चेक किया, मैंने कहा तो फटे हुए पेज, ओह माय गॉडनेस, फिर मैंने डस्टबिन से निकाले वो भी चला उसे लेकिन मैं माँ थी, मैंने फिर डस्टबिन से निकाला वो होमवर्क। तो देन आई पनिश्ड हर और शी सेड कि हमें तो इतनी बुरी बुरी सजाएं मिली हैं, दिस इज़ नॉट फेयर, इनके साथ कुछ नहीं होता। oh my goodness. तो उनके साथ मुझे लगता है कि ज़्यादा सख्ती होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू नो ठीक रहा सब, कि उनके थ्रू इनको भी सबक मिल गया कि थोड़ा थोड़ा ये लोग भी जो देखते थे एंड ऑल। लेकिन अब मैं नबीहा ईमान की कंपनी को बहुत इन्जॉय करती हूँ, बिकॉज मे बी मुझे वो फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी नहीं है, एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट एंड आई एम मोर रिलैक्स्ड दैट वे। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, अनिया, नबीहा ईमान, हया, लेकिन मेरे पास अभी नबीहा ईमान और हम तीनों चारों ही हैं, तो हम चारों कभी गेम्स खेल रहे होते हैं, कभी हम बातें कर रहे होते हैं, कभी दे कैन इवन कॉल मी तुम, शगुफ्ता तुम, आई डोंट माइंड, मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो इतनी लिबर्टी बच्चों को देनी चाहिए, आई फील एज अ मदर मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि मेरा बचपन जिस तरह से गुजरा, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, सख्ती थी, और आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स के माइंड में भी यही होगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे बच्चे बन के उभरें, उनके माइंड में ये होगा। लेकिन जब मैं पेरेंट बनी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपको घर में फ्रीडम देना है बच्चों को, जो करना चाहें करें अपने घर में अपने माँ बाप के सामने, ताकि अगर उनको कोई शिकायत होती है तो वो आप ही के पास आके उसका जिक्र करें, बिकॉज फिर मिसलीडिंग का तो कोई चांस ही नहीं रहेगा ना। अगर माँ बाप के पास बच्चे आएंगे तो आपका एम ये होना चाहिए कि आपके बच्चे आपसे अपनी हर प्रॉब्लम हर बात शेयर करें, और उन्हें घर में वो फ्रीडम मिले कि बाहर उनका दिल ना करे वो सब कुछ करने के लिए। ट्रू, सही बात है, ये भी आपने बहुत अच्छी काम की बात बताई। अच्छा, लूडो बड़ा पसंद है आपको, बहुत खेला करते थे, तो आप वो कौन सी वाली लूडो प्लेयर हैं? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि दूसरे की गीटी को मार दें या अपनी वाली पुगानी है, कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो तसव्वुर ही नहीं कर सकती ना कि कोई अगर जीत रहा है तो अपनी जीत को साइड पे रखो, पहले उसे हराओ फिर अपने रास्ता क्लियर करो और उसके बाद। तो उसके लिए घर में बैठी रहे, लेकिन चार दूसरे की लूडो के लिए ये है। अच्छा, हमारा ये लूडो का स्टाइल ये होता है कि चार लोग खेल रहे हैं, चारों के अपने अपने, अच्छा वो टीम नहीं बना, नहीं टीम नहीं है, पार्टनर्स नहीं है, और जो जीत रहा होता है बाकी तीनों उसके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, इसको नहीं जीत, इसको नहीं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड है, नबीहा ईमान है, कोई भी है, तो उन उसको नहीं जीतने देना। अब सोचें जो बंदा ऐसी सिचुएशन में जीतेगा वो कितना बड़ा विनर होगा। सही बात है। तो हम इस तरह से खेलते हैं। तो सेट पे भी यही होता है आपका, जीतने नहीं देती किसी को आप सेट सेट पे भी अगर लूडो वगैरह खेल, सेट में बहुत पहले, हाँ एक जमाने में खेलते थे, वो हुमायूं का ही सीरियल था, हमसे जुदा ना होना, आई थिंक यस, उसमें हम लोग खेलते थे, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट थी उसकी कि हमारी बारी ही नहीं आती थी। नहीं, मैं, जहाँ जेब गुरचानी, परवीन अकबर,
और सादिया इमाम, शायद हम चारों खेलते थे. ओके. तो उन लोगों के सीन्स हो रहे होते थे और जावेद फाजिल साहब डायरेक्टर थे, हम खेल रहे होते थे. फिर इतनी लड़ाइयाँ होती थी. मैं जहांजेब गोरचानी का मुझे अभी तक एक स्टाइल याद है. ही सेड, उसने कहा घर जहाँ से घर के अंदर एंटर होते हैं ना उसके आगे मेरी रखी हुई है और उसके दो आ गए. उसने कहा दो से पिटी. मैंने कहा तुम तो अंदर जा रहे हो. नहीं मैं पीटूंगा, मैं दूसरा चक्कर लगाऊंगा. मैंने कहा ये तो होता ही नहीं. ही सेड हमारे यहाँ होता है ये तो वाकई ट्रू. वो है लूडो प्ले के दूसरे को मारना है, पीट के उन्होंने पूरा एक चक्कर दोबारा से लगाया. बहुत मजा आया था उस प्ले में. ये तो आपने बड़ी अच्छी दो ना टिप्स याद करा दी है कि हाँ वो चक्कर दोबारा लगा रहे हो, दूसरे की नहीं जीतने, दूसरे को ना जीतने. गांव बनाया हुआ आपने छत पे अपने. यस. मुझे बड़ा फैसिनेट किया वो. एक तो उसका नाम बड़ा खूबसूरत है और फिर मैं सुन रही थी पंजाब लाल आटे के बल वाले पराठे बनाती हैं वहाँ पे. yes. चाय के साथ, गुड़ वाली चाय के साथ. गुड़ वाली चाय. तो ये गुड़ वाली चाय और वो भी लकड़ी पे बनी हुई. तो कितना मसला होता होगा, आंखों में धुआं सा आ रहा, लकड़ी को तो जलाना तेज नहीं, मुश्किल ही होता. अब मुझे आदत हो गई है. हाँ. जब मैंने पहली दफा ये चूल्हा वूल्हा बनाया ना, तो मैंने अपनी वो जो हाउस हेल्प थी उससे कहा जलाओ कैसे जलाते हैं. उसने प्लास्टिक की थैलियाँ लेके डाली और आग लगा दी. मैंने कहा ये कितना डेंजरस है, मतलब प्लास्टिक गर्म करके उसके फ्यूम्स आप लोग इनहेल कर रहे हैं. मैंने कहा ये कभी ना करना. उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आप वो पतली वाली कार्टन वाली लकड़ी होती है वो लेके नीचे अखबार रखती हूँ, पहले उस लकड़ी को जलाती हूँ, फिर उसके ऊपर बड़ी लकड़ियाँ रखती हूँ तो वो जल जाता है. और पराठे के पेड़े वेड़े मैं बना के, मेरी अम्मी बनाती थी बहुत अच्छे पराठे, इतने अच्छे कि अगर कोई मोहल्ले से गुजर रहे होते थे ना, आंटी पराठे बना रही है, इतनी अच्छी. हाँ हाँ बेटा आ जाओ पराठे. तो उनके हाथ के पराठे बहुत मशहूर थे. तो फिर मैंने उनसे सीखा वो कैसे बनाती हैं. लेकिन वो नरमी और वो चीज़ नहीं है, लेकिन जो खाते हैं वो कहते हैं कि हाँ अम्मी जैसे ही. मेरे भाई भी कहते हैं. चाय कैसी होती है? बहुत मज़े की गुड़ वाली चाय, दम की, वही खालिस दूध की. ठीक है. और वो लकड़ी पे बनती है हल्की आँच पे. अच्छा, जो लकड़ी पे चाय बनती है उसमें वो जो उसके लकड़ी का जो खुशबू का वो होता है. गांव की चाय पी हुई है तो मुझे पता है वो जो खाना उसमें बनता है लकड़ी का, उसमें एक डिफरेंट टेस्ट आता है. सालन में भी और चाय में तो डेफिनेटली आता है. तो आपके पास भी आता है ऐसा वैसा के ट्राई करना पड़ेगा. अगली वीडियो इनके साथ चाय पराठा और चटनी मेन्यू होता है, मैं सबको बताती हूं. और मैंने कहा दाल में लेकर आऊंगी. बस ठीक. तो हमारी एक वीडियो इंशाल्लाह होगी जहां हम ऊपर जाएंगे सुखवाल में. तो बल वाला पराठा इज डिफरेंट फ्रॉम लच्छे वाला पराठा. या लच्छे वाला पराठा जो होता है मैदे का बनता है. ओके. क्योंकि मैदे में लचक ज्यादा होती है, उसको आप खींच खींच के उसमें वो फिर लच्छा सा बन जाता है. बल वाला पराठा लाल आटे का होता है, उसमें बल होते हैं, जैसे पुड़ियाँ कहते हैं ना पंजाबी में. पुड़ियाँ वो सॉलिड पुड़ियाँ होती है, वो लच्छा नहीं होता उस तरह से. तो इट्स हेल्दियर लाल आटे का. पानी आ रहा है सुन के. सीरियसली आटा रखा हुआ तो मैं अभी बना देती हूँ. नहीं आटा नहीं रखा हुआ. बट आई लव योर यूट्यूब वीडियोस. मैं कल जब रिसर्च भी कर रही थी दो दिन से, मैंने जाके काफ़ी वीडियोस पहले भी देखती रहती थी बट अब कुछ ज़्यादा डिटेल में देख रही थी. मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी वाइब लगी. एंड माई क्वेश्चन वॉज कि आप कैसे इतना कुछ अचीव करने के बाद भी, इतना ज़िंदगी में आगे जाने के बाद भी अपने आप को इतना अनप्रिटेंशियस कैसे रखती हैं. लाइक आई फाउंड यू टू बी सो यू योर सेल्फ, सो ओरिजिनल. मुझे कहीं से बनावट, कहीं से फेकनेस नहीं लगी आप में. तो उसकी क्या ट्रिक है? इज इट अ कॉन्शियस एफर्ट या ये बस हो जाता है? नहीं, इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट. क्योंकि एक्टिंग की फील्ड में होना इटसेल्फ इज़ वेरी डैमेजिंग. यू नो, आप कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उसके बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है. तो आई डू अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग. आई थिंक दैट्स इट. एंड देन आई टॉक टू माई सेल्फ. टाइम के साथ साथ जब इतने कुछ से गुजरे तो मैंने रियलाइज़ किया कि आपकी अपने साथ दोस्ती बहुत ज़रूरी है. और उसका क्या मतलब होता है अपने साथ? उसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप से पूछें जब आपके पास चॉइसेस हों कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस चीज़ में खुशी मिलेगी. अब ये मेरी तो खुशी है ही मेरे बच्चों में, फैमिली में. यू नो, मुझे लगता है कि एक मैग्नेट है. मैं कहीं भी चली जाऊँ, अगर मुझे कहीं दावत पे भी जाना पड़ता है अपने किसी फ्रेंड्स की, नॉट दैट आई डोंट एन्जॉय, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फ़ौरन वापस जाऊँ और मेरे अंदर हग्स की कमी हो गई है और बच्चे आते हैं मुझे याद. लेकिन अदरवाइज भी इफ़ देर इज़ अ सिचुएशन या कोई कैरेक्टर मेरे ऊपर सवार है या कोई सैड कैरेक्टर है एंड इट्स अफेक्टिंग मी, फिर मैं ऊपर सुखवाल जाती हूँ, मंजी पर लेट जाती हूँ, बैठती हूँ, ब्रीदिंग करती हूँ और दैट हेल्प्स अ लॉट. I'm going to try these things. Yeah, deep breathing. Because मुझे लगता है ये आज की दुनिया में बड़ा चैलेंजिंग है कि आप जो हैं आप उसको प्रिजर्व करें और आप वही रहें. yeah. और आसपास की चीज़ों और प्रेशर को अपने आप को नहीं अफेक्ट करने देते. yes. आप
आपका इतना लंबा सफ़र है माशाल्लाह से, इतना कुछ आपने किया हुआ है, एंड मैं एक शो देख रही थी जिसमें आप और रुबीना अशरफ थी, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे लगा कि आप लोग ओके थे इस चीज़ पे बात करने के लिए। तो हर एक्टर की जब उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट किया हो तो एक टाइम आता है जब आपको पता होता है कि आपको इस स्टेज से दूसरी स्टेज पे ट्रांजिशन करना है, मे बी लीड एक्टर्स है आप सपोर्टिंग या आप ज़्यादा कैरेक्टर बेस्ड रोल्स कर रहे हो, तो वो क्या टाइम होता है, कैसे पता चले कि ये हो गया है, एंड हाउ डू यू मेक दैट ट्रांजिशन ईजी? आई वॉन्ट कि आप अगर इस पर बात करें तो जो लोग जो नए एक्टर्स सुन रहे हैं या जो लोग इस स्टेज पे हैं और उनको ये चैलेंज फील हो रहा है, तो मे बी दे कैन टेक सम गाइडेंस फ्रॉम यू इन दिस। एक्टर के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, मतलब एक्टर ये कह ही नहीं सकता कि मैं इतनी बड़ी एज का रोल कैसे कर सकता हूँ, मैं तो 20 का हूँ, 22 का हूँ, 25 का हूँ, एक्टर ये नहीं कह सकता। हाँ, वो स्क्रिप्ट देख के कोई कैरेक्टर का या कोई अगर कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है उस बेसिस पे तो रिफ्यूज़ कर सकता है। मैंने भी किया ये बिकॉज आई वॉज़ ऑफर्ड अ कपल ऑफ कैरेक्टर्स एंड आई वॉज़ इन माई 30s, तो मैंने कहा मैं इसकी माँ कैसे बन सकती हूँ यार, लेकिन वो फ़ौरन ही कुछ अरसे बाद ही मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, आई एम रॉन्ग, ये नहीं कर सकती मैं। उसके बाद वो चीज़ मेरे अंदर ख़त्म हो गई, ठीक है, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं टीवी पे वैसे ही बड़ी लगती हूँ, मोटी भी लगती हूँ, तो जब लोग मुझे रियल में मिलते हैं वो कहते हैं यू लुक सो यंग, यू लुक सो थिन, तो मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। सो इट डजंट अफेक्ट मी दैट वे बिकॉज मैं ये देखती हूँ कि कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, वो लोगों को कितना इफ़ेक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव वे। अगर नेगेटिव कैरेक्टर भी है तो उसमें से भी वो कुछ सबक हासिल करें, जैसे आँच में था एक बहुत बड़ा सबक। इसीलिए मैं सारी ज़िंदगी थैंकफुल रहूँगी PTV की फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है दिलों को जोड़ना, उस ड्रामे ने वो काम किया है। टू थाउजेंड्स ऑफ कपल्स एंड पाकिस्तान में इतने लोगों ने मुझसे कहा है कि हमारी टूटती हुई शादियां बच गई आपके वो ड्रामा देखने के बाद। तो इसी तरह से कोशिश होती है कि ऐसे कैरेक्टर्स हों कि जिसमें बूढ़े जवान का कोई इशू नहीं है। हाँ, इफ़ आई एम टू लेज़ी और वाइटनर बहुत लगाना है और वो उस वजह से थोड़ा सा मुझे बॉदर कर देता है, बट ये है कि अदरवाइज नॉट एन इशू। कोई 3-4 नाम जब आपने सफ़र को सोचती हैं तो 3-4 नाम जिन्होंने इम्पैक्ट किया है, जो जर्नी में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनका जिक्र कर सकती हैं आप? उज़्मा गिलानी साहिबा से मैं बड़ी इंस्पायर्ड थी फिल्म में आने से पहले। यू सो लकी टू हैव मेट हर एंड यू नो एंड आई रिमेंबर आई वंस मेट हर एंड द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज ओह शगुफ्ता एजाज माय फेवरेट। वाओ, मैंने कहा आपके मुंह से ये बात सुन के तो व्हाट एन ऑनर। और राहत काजमी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनके ड्रामे देखती थी मैं। शफ़ी मोहम्मद शाह साहब, उनकी ऐसी ग्रेस होती थी कि अनमैच्ड, बड़े से बड़ा उनका एक ऑरा था, उनका परसोना क्या कमाल। तो रियल लाइफ में मिली है, हमने तो सिर्फ टीवी पे देखा हुआ है। तो जब आपने शफ़ी साहब के साथ काम किया तो आँच में, तो कितना आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग था? इट वॉज, शुरू में बहुत था, बट देन आई रियलाइज कि वो मतलब उनमें बिल्कुल भी कोई हैंगअप्स नहीं है, बड़े स्वीट थे। एक दफ़ा मैं आई वॉज 92 की बात है ना आँच, सो आई वॉज 71 एंड या उस वक्त नॉटी भी मैं दिया सर। मेरे बचपन में इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी, एडवेंचर, फल तोड़ लो, किसी दरख्त पे चढ़ना है फ़ौरन चढ़ जाओ। तो एक दिन मेरा ऐसे ही दिल किया, मैंने कहा मैं शफ़ी साहब आपका मेकअप करूं। तुम तो बच्ची हो बिल्कुल, तुम नहीं ठीक हो सकती। That's so sweet. You actually said it to him. Yeah. Okay. इनके अलावा कोई और नाम है जिनको आप मेंशन करना चाहेंगी? उस जमाने में तो खैर रूही बानो उनका भी काम बहुत देखा था, बट आई थिंक मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, ना ही वो उस वक्त तक शी वॉजंट देयर। और अगर शहनाज शेख, माई लव, आई मीन आई थिंक के उन जैसी पर्सनैलिटी और हीरोइन उस लेवल पे हमारे यहाँ आई नहीं है अभी तक। शी वॉज सो नेचुरल, शी वॉज सो ब्यूटिफुल, और आवाज़, आँखों में इतनी चमक और इतना एक्सप्रेशन। ट्रू, टू गुड। और आजकल की जो नई जनरेशन है एक्टर्स की, उसमें से कोई हैं जो आपको इम्प्रेस करते हैं और यू रियली आर फॉन्ड ऑफ
some names that you would like to take? I think Zahid is a good actor. Zahid ka main kaam dekh rahi thi. Zahid ne bahut acha kaam kiya ek do drama mein. Because actor ko agar aapne dekhna hai to uski kaam ki variation dekhe. True. Because comedy ek bilkul alag cheez hai. उसके बाद आप उनको सीरियस रोल में देखें, आप उन्हें नेगेटिव रोल में देखें, तो अगर उनका लेवल वही है तो फिर दे आर एक्सेलेंट. फीमेल्स में यमुना जैदी, यमुना वेरी टैलेंटेड, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया. अहमद अली अकबर, कमाल कमाल कमाल. मैं कहती हूँ उन्होंने परीजाद में जिस तरह से अपने ऊपर वो कैरेक्टर तारी किया है, मेरा ख्याल है उन्होंने तो सांस भी परीजात बन के लिया है उस सारे टाइम में. सही कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल. बबाल पे आते हैं, उससे पहले डॉक्टर सलमा को मैं नहीं भूल सकती. वी लव्ड यू इन चौधरी एंड सन्स, और वो जो अदाएं थी, वो जो इंटरेक्शन था, इट वाज सो नाइस टू वॉच. मजा आया होगा करने में, बहुत मजा आया. वजाहत के साथ तो वैसे ही मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और वजाहत ने मुझे कहा कि ये एक रोल है, रोल तो गेस्ट पेरेंट्स है. मैंने कहा अगर वजाहत ने कहा है तो ठीक है, लेकिन इरसा का बहुत इसमें, इरसा का बहुत दिल था कि मैं ये वाला कैरेक्टर. उन्होंने कन्विंस किया आपको? कन्विंस किया, उधर भी बात करती रही, इधर भी मुझसे कहती रही करो ना मैनेज डेट्स. मैंने कहा यार वो उनका चल रहा है प्रोजेक्ट, यू नो लाइंड अप है, तो इनको प्रॉब्लम होगा. शी सर नहीं किसी तरह से बात करो. खैर मैंने बात की, डेट्स मैनेज हो गई, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा अब तो हमारी किसी और से बात हो रही है. ठीक है, इरसा ने कहा नहीं नहीं डेट्स हो गई हैं मैनेज कर लो. खैर वो उधर से कुछ नई बात बनी तो वापस से फिर हमारी बात हुई. बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया. एक तो कास्ट इतनी अच्छी थी, फिर जब मैं उस फैमिली में एंटर होती थी, काफ़ी लोगों से तो मैं वैसे ही बहुत फेमिलियर थी, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, तो बहुत मज़ा आया. फिर वो 3-4 दिन का जो काम था वो चला गया 10-12 दिन पे. ओह अच्छा. क्योंकि वो कैरेक्टर भी इतना अप्रिशिएट किया गया था, और वो बड़ा डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर था, और उसमें मतलब दोनों का इंटरेक्शन जो था वो इतना पुराना प्यार और वो जो डायलॉग्स आते थे, जो उनके एक्शन आते थे, फिर आपकी अदाएं जो साड़ी, और वो इट वाज रियली नाइस. और सुहेल साहब की भी पर्सनालिटी है, उनका भी पर्सोना बहुत स्ट्रांग है, और उनके साथ मैंने खैर फर्स्ट टाइम ही काम किया लेकिन बहुत मज़ा आया. और अभी बबाल में भी लविंग यू एस शगुफ्ता, आई थिंक इतना इंटरेस्टिंग रोल है. मुझे इस वक्त तक जितनी एपिसोड्स आई हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे शगुफ्ता का कैरेक्टर. ओह यस, मुझे जब अमीन इकबाल साहब से मेरी मीटिंग तो नहीं, शूट पे ही मुलाकात हुई, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं छोड़ सकती, दिस इज़ सो डिफरेंट. और एक सूद खोर औरत जिसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा, सो दिस वॉज समथिंग आई वॉन्टेड, कि अगर बुराई दिखा रहे हैं तो उसका अंजाम भी, उसको जस्टिफाइड वर्जन ना दिखाएं उसका. तो अमीन इकबाल साहब से जब मेरी पहले दिन शूट पे मीटिंग हुई तो उन्होंने काफ़ी रिजर्व थे, और मैं शूट पे बहुत लाइट मूड में होती, मजाक वो तो मैंने देखी एक दो वीडियोस मजाक कर रही होती हूँ. उनका नाम मैंने किंग कॉन्ग रख दिया. जाते ही मैं कहती हूँ हेलो किंग कॉन्ग. तो खैर उनसे बहुत अच्छी गपशप हुई, फिर उन्होंने कहा कि इस ड्रामे में हीरो हीरोइन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाजिबी है. इस ड्रामे की हीरोइन आप हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ये है. तो खैर मैंने जो कंसीव किया हुआ था और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो थोड़ा हुआ कुछ, हमने पहले दिन एक उस कैरेक्टर को एक लाइन पे ले आए कि हमने इसे कितना ओवर लेके जा सकते हैं, किस कितना अंडर रखना है और कितना लाउड हो सकते हैं हम. तो फिर वो बस अब तो शगुफ्ता के अंदर शगुफ्ता है. अच्छा सबसे मज़े का था, इट्स इजी ना, वरना नाम अक्सर कैरेक्टर्स के याद करने में मुझे इतने ड्रामे होते हैं शगुफ्ता. तो मैंने कहा ये तो आसान है, शगुफ्ता जो है वो शगुफ्ता ही है. लेकिन सबसे बात ये लगती है उस कैरेक्टर की, इट्स नॉट द टिपिकल विलन, नॉट द टिपिकल नेगेटिव कैरेक्टर जो हम देखते हैं ना, जिसको कभी कभी लगता है बोरिंग हो जाता है, वो इतना ओवर द टॉप चले जाते हैं. शगुफ्ता का कैरेक्टर आपको बड़ी ईरी सी फीलिंग देता है कि शी सो रूथलेस, वो कुछ भी करेगी. लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती हैं, यू नो बेटे के साथ बैठी हैं, उसको शादी की बात कर रही हैं, वो लाइक द बैलेंस ऑफ नॉर्मलसी एंड देन वो उनकी जो नेचर है, ट्रू नेचर जो वो सामने आती है, बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन एंड बैलेंस आपने किया हुआ है. क्योंकि जब इसका, मैं खैर इसका रीज़न तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जब लोगों को इसका बैकग्राउंड पता चलेगा आगे जाके, तो फिर ये सारे जो फेजेस है ना उसके, या सारे मूड जो हैं, ये जस्टिफाई होंगे कि ये इतनी अनप्रिडिक्टेबल और इतनी क्या कहेंगे उसे,
इतनी फोकस्ड डिटरमिंड एक वन डिटरमिंड तो वो है मगर उसमें जो इतने मूड स्विंग्स होते हैं और उसके जो फेजेस हैं डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट वे में जो ट्रीट करती है तो उसमें वो चीज़ कैसे आई बिकॉज उसके जहन पे जो चीज़ सवार थी वो था पैसा शी वांटेड टू बी रिच इतनी डिप्राइव्ड जिंदगी उसने गुजारी तो वो उसका ये हुआ तो उसका रिएक्शन ये हुआ और आगे जाके वो जब खुलेगी चीज़ तो आप लोग यू विल बी शॉक्ड और वो सीन्स जो हमने शूट किए हैं अमीन इकबाल साहब ने जो उसमें और आसिफ ने जो लाइट की है और बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा उसका व्यूअर्स पे. अभी तक आपको रिएक्शन कैसा आ रहा है ऑडियंस की तरफ से? बहुत अच्छा. मुझे तो खैर सोशल मीडिया पे ही पता चलता है लोग बहुत वबाल की बात करते हैं बल्कि आपका भी मैं वो देख रही थी वबाल पे लिखा था. आई शेयर्ड इट ऑन माई स्टोरी ऑल्सो. तो इट्स सो गुड. मुझे वो अमीन साहब भी बताते हैं फलां ये कह रहा था फलां ये कह रहा था वो सुन रहे होते हैं सारा. हाँ अभी बल्कि काफ़ी गैप के बाद मेरा एक दिन का शूट था तो उन्हें लगा कि शायद यू नो वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आने में. लेकिन मैंने जैसे ही वो कैरेक्टर्स अपने सामने देखे मैं वापस से वो वाली शगुफ्ता बन गई. तो मैंने अमीन साहब को देखा तो वो यूं यूं कर रहे. I was working with Sara Khan. और तलहा से आपके साथ है कोई इंटरेक्शन? नहीं तलहा से मेरा पहला नहीं अभी तक तो कोई भी नहीं हुआ. आगे जाके भी आई थिंक एक आध अगर सीन हो लेकिन सारा के साथ तो मैं कर चुकी हूँ पहले काम मेरे बेवफा में काफ़ी काम था हमारा साथ. फ्रॉम दैट टू नाउ अभी भी उसके साथ इतना काम नहीं है मेरा. अच्छा अभी नहीं है? नहीं इतना नहीं है अभी. एक दो दिन का एक दिन का शूट हुआ है हमारा सारा के साथ और आगे जाके कुछ अच्छा, अभी आप लोग काफी शूट रहती है अभी इस टाइम. मेरा तो 50% से ज़्यादा हो गया काम बिकॉज वो दोनों घरों की कहानियां इतनी पैरेलल चल रही हैं ये सलीम शेख और कि अब वो उस घर का वो लोकेशन कर रहे हैं. अब सितंबर के एंड से दोबारा ये शुरू करेंगे फिर अक्टूबर में पूरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा. चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. I'm so glad we made it. Yes. And it was an absolute pleasure being here. Nahi, thank you so much. And I cannot tell you how honored I am. कि आपने बहुत ये बातें इस तरह शेयर करना मुझे लगता है आसान नहीं होता लेकिन आपने जो शेयर किए मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को गाइडेंस मिलेगी. बहुत से लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे एंड आई होप कि उसका सब अब मुझे और आप दोनों को मिल जाए. मुझे भी थोड़ा सा मिल जाए. किसी का कुछ भला हो जाए तो. बट इन एनी केस आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क एंड रियली लव वॉचिंग यू ऑल द टाइम ऑन द स्क्रीन. एंड आई थिंक वो जो चौधरी एंड सन्स का कैरेक्टर था वो तो मैं शायद देख ही आपकी वजह से रही थी. अच्छा, जब उसके टीजर्स आने शुरू हुए ना मैंने कहा यार ये मुझे देखना है. ये इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है और इतने मजे का लग रहा है कि मुझे देखना है. सो वो भी है. बट शुक्रिया बहुत बहुत आपने टाइम निकाला. थैंक यू सो मच राबिया. और जिंदगी के इतने खूबसूरत लम्हात आपने हमारे साथ शेयर किए. फाइनली एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू. आर यू वर्किंग ऑन एनी अदर प्रोजेक्ट अभी? यस एक तो ये दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फिर बुलबुले में स्टार्ट हो रहा है. I'm playing stock in that also. तो next Saturday से उसमें भी add हो रहे हैं. और एक हम टीवी का ही एक प्रोजेक्ट है मेरे दामाद. उसमें भी इसकी चार बेटियां हैं चार दामाद. तो वो है उसका भी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ. सो विल स्टार्ट शूटिंग फ्रॉम 17th और 18th. योर हैंड्स आर फुल. काफी चीजें चल रही हैं. दैट्स गुड. सो हम देखते रहेंगे आपको वन आफ्टर इंशाल्लाह इंशाल्लाह. चलें आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.